जय माँ कामाख्या। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको महालया की विषय में बताऊंगी। महालया जो तिथि है ये बहुत ही खास तिथि है, जो देवी के भक्त है, माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा की भक्त है, उनके लिए महालया बहुत ही खास तिथि है। सर्वपित्र अमावस्या यानी अश्विन अमावस्या के दिन ही होता है महालया। महालया अर्थात महाआलय। महालया एक संस्कृत शब्द है। महाआलय यानी देवी का महान आगमन, देवी का महानिवास स्थान, जो हमारा पृथ्वी लोक बन जाता है महालया से। क्योंकि महालया के दूसरे दिन से अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है, इसीलिए महालया एक बहुत ही खास तिथि होता है। क्योंकि महालया के दिन जो अमावस्या आता है उसे सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। दोपहर के समय तक हम सभी अपने अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध पिंड दान करके हमारे पितरों को विदा करते हैं और शाम के समय देवी की आगमन के लिए माता का आवाहन करते हैं। कहा जाता है कि महालया का जो तिथि है ये बहुत ही खास है और इस तिथि को बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत की तिथि के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि महिषासुर के बारे में आप सभी को पता है, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर कितना भयानक और ताकतवर राक्षस था ये तो सभी को पता है। महिषासुर को ये वरदान मिला था कि किसी भी इंसान हो, देवता हो, जानवर हो, किसी के द्वारा महिषासुर का वध नहीं हो सकता है सिवाय स्त्री जाति के। तो इसीलिए महिषासुर जैसे एक राक्षस की वध के लिए महालया के दिन ही श्री हरि विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महेश जी ने एक खास शक्ति का आवाहन किया था, जिस शक्ति को हम कहते हैं माँ दुर्गा। यानी महालया के दिन ही तीनों देव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ने माँ दुर्गा के रूप में एक खास शक्ति की सृजना की थी, इसीलिए महालया को बहुत ही पवित्र और खास तिथि माना जाता है। क्योंकि साल में सिर्फ ऐसी ही एक तिथि है जिस तिथि में हम पितरों को खुश करके विदा करते हैं और उसी तिथि में माँ दुर्गा को हम आवाहन करते हैं। इसीलिए महालया के दिन दोपहर तक हम अपने पितरों को खुशी खुशी विदा करने के बाद शाम के समय माँ का, देवी माँ का हम आवाहन करते हैं पृथ्वी लोक में अपने अपने घरों में। तो इस दिन यानी महालया के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ देवताएं भी खुश होके पृथ्वी लोक से अपने लोक तक जाए और माँ दुर्गा भी हमारे घर तक आए। को खुशी खुशी विदा करने के बाद शाम के समय हम सभी को अपने अपने घर का आंगन गुलाब जल से या फिर गंगा जल से धोना चाहिए या साफ करना चाहिए। उसके बाद हमारे घर के आंगन में खुशबूदार यानी सुगंधित अगरबत्ती जलाना चाहिए। सुगंधित अगरबत्ती या फिर धूप प्रज्वलित करके हम अपने अपने घरों की या फिर घर के कैंपस का जो भी वातावरण है उसे हम शुद्ध करते हैं माता के आगमन से पहले पहले। और हमारे घर के मेन डोर में, चाहे वो आपका जो गेट है या फिर आपका जो घर का मेन डोर है जहाँ से आप आते जाते हो, उस गेट के दोनों तरफ घर की ओर दिए का मुख करके दो दीपक जरूर हमें जलाना है महालया के दिन शाम के समय। दीपक आप घी का जलाइए, सरसों के तेल का जलाइए या फिर तिल के तेल का जलाइए, वो आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। महालया तिथि देवी भक्तों के लिए, माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है, इसलिए महालया के दिन से पूरे नवमी तिथि तक चंडी पाठ या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। महालया के दिन बहुत सारे जगहों में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही देवी का आवाहन किया जाता है। और कहा जाता है कि महालया तिथि में, महालया के दिन माता पार्वती यानी माँ दुर्गा कैलाश से विदा लेती है अपने मायके यानी पृथ्वी लोक तक आने के लिए। महालया के दिन से खासकर महालया के दिन कलाकार देवी दुर्गा की प्रतिमा पर दुर्गा माँ की आंखें गढ़ती है या फिर बनाती है और प्रतिमाओं पर रंग भी इसी दिन से चढ़ाया जाता है।
और महालया के दिन सुबह सुबह आप में से कौन कौन रेडियो पर चंडी पाठ या फिर महालया के मंत्र सुनते थे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। महालया के दूसरे दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना करने के बाद हम 9 दिनों तक माता की पूजा करते हैं, लेकिन महालया के दिन हम माँ का खास आवाहन करते हैं। महालया के दिन खास आवाहन यानी ये नहीं है कि कुछ आप मंत्र पाठ करें या फिर आवाहन मंत्र पाठ करें या कुछ भी करें, आपको जो पता है या फिर आपको कुछ भी मंत्र नहीं पता है तब भी दिल से माँ का आवाहन कीजिए। महालया के दिन शाम के समय या फिर बहुत से जगहों में सुबह भी ये किया जाता है। महालया के दिन पितरों को विदा करने के बाद जब माँ का आगमन पृथ्वी लोक में होता है तब हर जगह शुभता फैलता है। तो आने वाली नवरात्रि में महालया से ही पूरे नवरात्रि में आप सभी के घरों में माता रानी का प्रवेश हो, माता रानी सभी के जिंदगी में घरों में खुशियां लाए, इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। धन्यवाद।